मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रहा है। रॉबर्ट वाड्रा गुरुवार को दूसरे दिन एक बार फिर ईडी के सामने पेश हुए। इस बीच केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने रॉबर्ट वाड्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। बरेली में पत्रकारों से बात करते हुए संतोष गंगवार ने कहा कि जो भी गलत काम करेगा उसे सजा मिलेगी, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ये तो कभी भी किसी समय हो सकता है। गांधी परिवार पर भी साधा निशाना। बरेली में भाजपा के नवनिर्मित नए पार्टी कार्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे संतोष गंगवार ने रॉबर्ट वाड्रा पर हमला बोलते हुए कहा कि जो भी गलत काम करेगा उसे सजा मिलेगी। रही चुनाव की बात, तो चुनाव का इससे कोई लेना देना नहीं है। संतोष गंगवार ने प्रियंका गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि अब यह सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस के पास माँ बेटा और बेटा के अलावा कोई दूसरा नहीं है, जबकि देश की जनता इससे ऊपर है। उन्होंने कहा कि देश की जनता इस बात को समझती है कि कांग्रेस में किस ढंग से परिवारवाद चल रहा है। परिवारवाद का देश में कोई मतलब नहीं है। लेकर सारे काम हो रहे हैं और उसके तहत ही हम लोग आगे चले। प्रियंका गांधी को जिस तरीके से राजनीति में लाया गया है, क्या लगता है कि भाजपा के लिए ये कुछ कुछ चुनौती? मेरा मानना है कि अब सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस के पास माँ बेटे या बेटी के अलावा और कोई है नहीं। तो देश की जनता इस बात को समझती है कि जिस ढंग का परिवारवाद कांग्रेस में चल रहा है और देश की जनता इससे ऊपर है। परिवारवाद का कोई देश के में कोई मतलब नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। वो जो भी गलत काम करेगा उसको सजा मिलेगी। क्या जेल जाना चाहिए रॉबर्ट वाड्रा? मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, ये जांच का हिस्सा है। प्रियंका गांधी का कहना है कि चुनाव के दौरान इस तरीके से ये तो किसी समय और कभी भी हो सकता है।